student. My name is Mehak. Today we will talk about travelling microscope. यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट हमें दिखाई दे रहा है ये है ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप. और माइक्रोस्कोप का यूज़ हम करते हैं जब हमें किसी पास पड़ी हुई ऑब्जेक्ट को एनहांस करके या मैग्नीफाई करके हमें उसे देखना है तो हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. यहाँ हम इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं क्योंकि इस माइक्रोस्कोप को हम मूव करा सकते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ और वैसे ही अप से डाउन की तरफ इसे हम मूव करा सकते हैं. तो इस वजह से हम इसे बोलते हैं ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप. तो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के इस इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या अरेंजमेंट्स होते हैं. तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले चार तरीके के स्क्रूज दिखाई देते हैं. सबसे पहला स्क्रू ये और दूसरा स्क्रू ये और यहाँ पर आपको यहाँ एक स्केल दिखाई देता है. इस स्केल को हम हॉरिजॉन्टल स्केल बोलते हैं और सेम तरीके का स्केल आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो उसे हम बोलेंगे वर्टिकल स्केल. तो ये जो स्केल है लंबे वाला स्केल इसको हम मेन स्केल बोलते हैं और इसके ऊपर जो छोटे वाला स्केल है उसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं. जैसा स्केल आपको यहाँ दिख रहा है सेम वैसा ही स्केल आपको वर्टिकल स्केल दिखेगा. तो यहाँ हम इन स्क्रूज़ की बात कर रहे थे. यहाँ जो आपको स्क्रूज़ दिख रहे हैं इन स्क्रूज़ का काम जो है सबसे पहले कि जब आप इस स्क्रू को ओपन करते हैं तो इस स्क्रू को ओपन करके आप अपने इस स्टैंड को इसको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करा सकते हैं. और लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराना है जब यानी जब आप अपने आईपीस को ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहते हैं और आपका आईपीस ऑब्जेक्ट से लेफ्ट या राइट साइड में पड़ा है तो उस टाइम आप ये वाला स्क्रू ओपन करेंगे और इस वाले स्क्रू को ओपन करके आप इसको लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करा सकते हैं. जब हम इस स्क्रू को क्लोज कर देते हैं तो क्लोज करने के बाद जो आईपीस का पोल है वो स्टिल हो जाता है, वो स्टेबल रह जाता है, आप इसे मूव नहीं करा सकते. तो इसको बंद करने के बाद आप आईपीस को मूव नहीं करा सकते. लेकिन अगर आपको स्लाइट मूवमेंट चाहिए तो आप ये वाला मूवमेंट करा सकते हैं, ये वाले स्क्रू से मूवमेंट करा सकते हैं. तो इस वाले स्क्रू का यूज़ हम जब करेंगे जब हमें अपने ऑब्जेक्ट को आईपीस के साथ कोइंसाइड कराने में स्लाइट डिविजन्स का फ़र्क हो, यानी कि हमारा जो आईपीस की क्रॉस वायर्स हैं वो क्रॉस वायर ऑब्जेक्ट से एक या दो डिवीज़न आगे या पीछे हो तो उस टाइम हम स्लाइट मूवमेंट के लिए हम ये वाला स्क्रू यूज़ करते हैं. जैसे जब मैं इस स्क्रू को रोटेट कर रही हूँ तो मुझे ये रोड भी बाहर की तरफ आती दिख रही है. इस तरीके से जो आईपीस है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है यानी कि वो राइट की तरफ मूव कर रहा है. वैसे ही जब मैं इसे अंदर की तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये रोड अंदर की तरफ मूव करती हुई दिख रही है. इसका मतलब क्या कि जो ये हमारा आईपीस वाला पोल है वो हमारा लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है. तो इस तरीके से ये वाला जो आपका स्क्रू है ये लार्ज ट्रैवलिंग के लिए, लार्ज डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए यूज़ किया जाता है और ये वाला जो स्क्रू है वो स्लाइट ट्रैवलिंग के लिए, स्लाइट डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है. उसी तरीके से ये वाला जो सेटअप था ये सारा हॉरिजॉन्टल स्केल के लिए सेटअप था. उसी तरीके से आपको सेम वर्टिकल स्केल के लिए सेटअप दिया हुआ है. तो वर्टिकल स्केल के लिए आपको यहाँ पर एक फ्रंट की तरफ एक स्क्रू दिया हुआ है. जब आप इस स्क्रू को ओपन करते हैं तो ओपन करके आप आईपीस को ऊपर से नीचे की तरफ मूव करा सकते हैं. और जब आप इसे टाइट कर देते हैं तो टाइट करने के बाद आपका जो आईपीस है वो ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता, वो रेस्ट पर हो जाता है. उसी तरीके से अगर आपको अप डाउन स्लाइटली चेंज करना है, स्लाइटली ट्रेवल कराना है अपने आईपीस को, तब आप ये ऊपर वाले स्क्रू का यूज़ करते हैं. इस ऊपर वाले स्क्रू को आप लूज़ करेंगे, ओपन करेंगे तो जो आईपीस है वो ऊपर की तरफ जो मूव करेगा और उसी तरीके से बंद करके आपका आईपीस जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा. अगर आपको एक या दो डिवीज़न का फ़र्क चाहिए तो एक दो डिवीज़न के फ़र्क के लिए आप ये वाले स्क्रू का यूज़ करेंगे. और अगर आपको लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है तो आप फ्रंट वाले स्क्रू का यूज़ करेंगे. तो इस तरीके से ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के चारों स्क्रूज़ का अब आपको पता लग गया कि उन स्क्रूज़ का क्या यूज़ होता है. उसी तरीके से यहाँ आईपीस के लिए भी एक स्क्रू दिया हुआ होता है. और जब आपका ऑब्जेक्ट इस आईपीस के सामने पड़ा है और वो आपको ब्लर इमेज दिखा रहा है तो उस टाइम उसे फोकस करने के लिए आप इस वाले स्क्रू का यूज़ करते हैं. इस वाले स्क्रू को ओपन क्लोज करके आप अपने ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं और इस स्क्रू को हम फोकसिंग स्क्रू बोलते हैं. तो इस तरीके से माइक्रोस्कोप के हर एक अरेंजमेंट को, हर एक टाइप को हमने आपको बता दिया कि हर एक स्क्रू का मतलब क्या है. तो अब
इसके आगे हम कराते हैं कि लीस्ट काउंट, कि ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में आप कम से कम कितनी वैल्यू को स्टडी पढ़ सकते हैं। तो लीस्ट काउंट को निकालने का जो फॉर्मूला है वो वही है जो वो हमने वर्नियर स्केल में बताया था कि वन मेन स्केल डिवीज़न माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीज़न इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप और वर्नियर कैलिपर। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ मेन स्केल की डिवीज़न किस तरीके से दी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेन स्केल में 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्केल है तो 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक देयर आर 20 डिवीज़न्स ऑन द मेन स्केल। तो मेन स्केल में इन टोटल 1 सेंटीमीटर के अंदर 20 डिवीज़न है। तो यहाँ पर 20 मेन स्केल डिवीज़न हुई 1 सेंटीमीटर के इक्वल और 1 मेन स्केल डिवीज़न हुई 1/20 सेंटीमीटर के इक्वल। इसका मतलब क्या कि मेन स्केल में जो भी आप एक डिवीज़न की बात करेंगे तो वो डिवीज़न आपको हमेशा काउंट कराएगी 0.05 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो छोटे वाली डिवीज़न है वो है 0.05 सेंटीमीटर और उसके नेक्स्ट वाली जो डिवीज़न है वो बन जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब छोटे वाली जो डिवीज़न है उसको आप हमेशा 0.05 से काउंट करेंगे, नेक्स्ट वाली 0.1 0.2, इस तरीके से जो बड़े वाली डिवीज़न आपको दिख रही है। इस तरीके से मेन स्केल पर आप बड़े वाली डिवीज़न को 0.1 0.2 0.3 इस तरीके से उतने सेंटीमीटर में काउंट करेंगे। तो इन अगर हम बात करें वन मेन स्केल डिवीज़न की तो हम उस 1 मेन स्केल डिवीज़न को बोलेंगे कि वो 0.05 सेंटीमीटर मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस को बता सकती है, मिनिमम से मिनिमम इतनी रीडिंग को बता सकती है। तो अब हम देखते हैं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न किसके इक्वल है। यहाँ पर वर्नियर स्केल में आपको 0 से लेकर 1 के बीच में 10 डिवीज़न्स दी हुई हैं, 0 से लेकर 1 के बीच में 10 डिवीज़न हैं और उस तरीके से इन टोटल वर्नियर स्केल में 50 डिवीज़न्स हुई, यानी कि वर्नियर स्केल में टोटल डिवीज़न जो है वो 50 हैं। और अब हम देखते हैं कि ये 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न मेन स्केल में कहाँ पर कोइंसाइड कर रही है। तो इसके लिए अगर मैं 0 को 0 से कोइंसाइड करा दूँ अब हम देखते हैं कि 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है वो कितने मेन स्केल के डिवीज़न के इक्वल है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 20 डिवीज़न्स हैं मेन स्केल पर, तो जो 50 डिवीज़न है वर्नियर स्केल की वो मेन स्केल की 49th डिवीज़न के साथ में कोइंसाइड कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 से 1 में 20 डिवीज़न, 1 से 2 में 20 डिवीज़न, इन टोटल 40 डिवीज़न्स। उसके बाद जो 5 है वो इस वाले डिवीज़न से एक पहले वाले डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ तक 40 डिवीज़न हुई मेन स्केल की और यहाँ तक वो डिवीज़न हो गई 50, यानी यहाँ तक 50 डिवीज़न है मेन स्केल की और वर्नियर स्केल इससे पहले वाले डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है वो 49 मेन स्केल डिवीज़न्स के इक्वल है। तो लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न 49 मेन स्केल डिवीज़न्स के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ से अगर मैं 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो वो बन जाती है 49/50 मेन स्केल डिवीज़न। और लीस्ट काउंट के लिए मैं यहाँ से वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करती हूँ तो लीस्ट काउंट बनता है 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 49/50 मेन स्केल डिवीज़न। यहाँ से 1/50 मेन स्केल डिवीज़न इज़ द लीस्ट काउंट और हमने 1 मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू अभी ऊपर फाइंड आउट की थी, वो थी 0.05 सेंटीमीटर या फिर 1/20 सेंटीमीटर। जब हमने इस 1 MSD की वैल्यू यहाँ पुट की तो वो बन जाती है 1/1000 सेंटीमीटर यानी 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब है क्या कि जो माइक्रोस्कोप की हम बात कर रहे हैं ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में, इस एक स्मॉल डिवीज़न के साथ में वर्नियर स्केल की एक स्मॉल डिवीज़न के साथ में हम 0.001 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो स्टडी कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, यानी अप टू 3 डिजिट तक हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप का यूज़ करके। तो यहाँ से लीस्ट काउंट निकलती है 0.001 सेंटीमीटर। तो अब हम आपको बताते हैं कि रीडिंग किस तरीके से ली जाती है माइक्रोस्कोप में। यहाँ पर भी रीडिंग लेने का वही सेम तरीका है जो कि हम वर्नियर कैलिपर में करते हैं। वर्नियर कैलिपर में भी हम रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की डिवीज़न मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब यहाँ पर मेन स्केल की जो रीडिंग है वो है जब आप
किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस आईपीस को फोकस करते हैं। फोकस करने के बाद जो वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जिस रीडिंग के साथ कोइंसाइड करेगी तो वो होगी मेन स्केल की रीडिंग, यानी वर्नियर स्केल का जो इनिशियल वाला पॉइंट है यानी कि जीरो जो डिवीज़न है, अगर वो डिवीज़न मेन स्केल के जिस डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रही है, जिस रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है, वो होगी मेन स्केल की रीडिंग। और वर्नियर स्केल की डिवीज़न देखते वक्त हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल में इन जीरो से 50 तक की डिवीज़न में से कौन सी डिवीज़न मेन स्केल की किसी भी रीडिंग के साथ बेस्ट कोइंसाइड करे, वो होगी वर्नियर स्केल के डिवीज़न। यानी वर्नियर स्केल के टाइम हम इन जीरो से 50 डिवीजन्स की बात करेंगे कि इनमें से कौन सी डिवीज़न मेन स्केल की किसी भी डिवीज़न के साथ कोइंसाइड करेगी, तो वो होगी वर्नियर स्केल की डिवीज़न। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस करके आईपीस में, तो वहाँ से आप रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। और रीडिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ MSR फाइंड आउट करना है और VSD फाइंड आउट करना है, तो उससे आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे फोकस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कैपिलरी को रखा है। इस कैपिलरी को हम इस आईपीस में फोकस करना चाह रहे हैं, यानी कि इस कैपिलरी के इस ओरिफिस का अगर मुझे डायमीटर चाहिए, यहाँ पर मैंने क्रॉस वायर्स का एक साइन बना दिया है। अब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फोकस करना है तो फोकस करते वक्त दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो इस ऑब्जेक्ट के बीच में और आईपीस के बीच में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप वन हैंड का डिस्टेंस, ऐसे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना डिस्टेंस होना चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और दूसरा, ये आईपीस और जो आपका ऑब्जेक्ट है ये दोनों चीज़ें लेवल पे होनी चाहिए, यानी कि आईपीस के सामने ही आपका ऑब्जेक्ट लाई करना चाहिए, इधर उधर ना हो और ना ही ऊपर नीचे हो, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इतने डिस्टेंस पर हो कि ताकि जो आईपीस है वो इससे वन हैंड की डिस्टेंस पर हो। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखकर आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप के साथ में फोकस कर सकते हो। यहाँ हमने अपने इस कैपिलरी को फोकस कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि फोकस करके किस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर हमने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की क्रॉस वायर्स को कैपिलरी की उस क्रॉस वायर के साथ कोइंसाइड किया है, तो उसके साथ अब हम इस ओरिफिस का डायमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसकी रीडिंग कैसे लेते हैं ये अब हम आपको बताएंगे। तो अगर हम देखें तो कैपिलरी हमें कुछ इस तरीके की दिख रही है, इसका ओरिफिस ये है और हमने कुछ इस तरीके के साइन इस पर मार्क कर दिए हैं। और अब जब हमें इस कैपिलरी की डायमीटर फाइंड आउट करना है, कैपिलरी का डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस वायर्स को इस इंटरनल ओरिफिस को, जो हम ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, इस वाले पॉइंट के एक बार तो हमने क्या किया कि जो आईपीस के अंदर क्रॉस वायर है उस क्रॉस वायर की वर्टिकल वायर को हमने इस ओरिफिस के इस एंड के साथ में कोइंसाइड करा दिया। इस एंड के साथ कोइंसाइड कराने के बाद फिर हम इस वाले एंड पर जाएंगे, दूसरा एंड, लेट अस से कि ये वाला एंड P है और ये वाला Q है। अगर मुझे P तक का डिस्टेंस पता चल जाए और मुझे Q का डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ, जो कि होगा PQ इज इक्वल्स टू P माइनस Q का मैग्नीट्यूड। तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं इस कैपिलरी के ओरिफिस का डायमीटर। तो इस टाइम हमने जब अपनी कैपिलरी को फोकस किया हुआ है तो वो फोकस अभी इस पॉइंट पर है, ये वाला पॉइंट अभी हमने फोकस किया हुआ है जो कि पी पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट पे हम रीडिंग बताते हैं कि किस तरीके से लेनी है। यहाँ पर जो कैपिलरी है, इस कैपिलरी का जो ये ओरिफिस है हमने इसी को एनहांस करके ये पिक्चर बनाई है। तो इस वाले पॉइंट का ये वाला पोर्शन अभी मैं ले रही हूँ जो कि यहाँ पर मैंने फिगर आउट किया हुआ है। तो ये वाला पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी की रीडिंग हम सेम वही फॉर्मूला से लेंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया, और वो फॉर्मूला है मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की डिवीज़न मल्टीप्लाई बाय लीस्ट का। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, जब हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उस टाइम जो आईपीस का स्टैंड है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जब मुझे पी से लेकर Q
क्यू की तरफ जाना है तो मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है तो इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल वाले स्केल की मूवमेंट होगी, इस वजह से जो मैं रीडिंग लूँगी वो हॉरिजॉन्टल स्केल की रीडिंग लूँगी। तो यहाँ पर अगर मैं मेन स्केल की रीडिंग देखूँ तो मेन स्केल की रीडिंग इस टाइम क्या होगी कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल की किस डिवीज़न या किस रीडिंग के साथ कोइंसाइड है, वो होगी मेन स्केल की रीडिंग। तो इस केस में जो मेन स्केल की रीडिंग है वो है 0.55, तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई 0.55 प्लस वर्नियर स्केल की डिवीज़न देखते वक्त हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीज़न मेन स्केल की किसी भी डिवीज़न के साथ कोइंसाइड करती है। तो हमारे इस केस में जो यहाँ पर 44th डिवीज़न है, जो कि ये वाली डिवीज़न है, ये वाली डिवीज़न बेस्ट कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की किसी भी डिवीज़न के साथ। आप देख सकते हैं कि 44th डिवीज़न, तो इसका मतलब वर्नियर स्केल की जो डिवीज़न हुई वो हुई 44। जो पी पॉइंट है वो जीरो से लेकर इतने डिस्टेंस पर पड़ा है। उसी तरीके से हम यहाँ पर अब दूसरा केस करेंगे जब हम क्यू के ऊपर इसको फोकस करेंगे, यानी कि अब हमें अपने आई पीस को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पर ट्रैवल कराना है, तो कुछ इस तरीके का फिगर बनना चाहिए। तो ये था पी पॉइंट और ये है क्यू पॉइंट। अब क्यू पॉइंट पर फोकस करने के बाद आई पीस को फिर से हम रीडिंग लेंगे तो वो क्यू पॉइंट की रीडिंग हो जाएगी। तो अब हम फोकस करते हैं और उसको फोकस करने के लिए आपको करना है क्या, आप ये वाला जो प्रिसाइज मूवमेंट वाला एक स्क्रू है आप इसे मूव करेंगे, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कराना है अपने इस माइक्रोस्कोप को। तो इस वजह से हम स्लाइटली वाले पॉइंट को, स्क्रू को हम रोटेट कर रहे हैं और उससे हम अपने कैपिलरी के इस वाले एंड को फोकस करेंगे। अब हमने अपने आई पीस को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लेकर आए हैं, यानी कि अब हम पी पॉइंट से ट्रैवल कर क्यू पॉइंट पे हमने उसे क्रॉस वायर को जो है वो सेट किया है। तो इस तरीके की पिक्चर जो है हमें अपने आई पीस में दिख रही है, जैसा आप देख सकते हैं। तो उस टाइम अगर ये क्यू पॉइंट के ऊपर फोकस करने के बाद मैं क्यू पॉइंट की रीडिंग देखना चाहूँ तो वो क्यू पॉइंट की रीडिंग वही होगी जैसे मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल की डिवीज़न आपको देखनी है और फिर उनको इस तरीके से इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। इसका मतलब कि जो क्यू पॉइंट है वो ओरिजिन से 0.241 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि कैपिलरी के डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक बार तो आई पीस को यहाँ पर सेट किया, फिर एक बार इस पॉइंट पर सेट किया, इन दोनों पॉइंट्स की हमें रीडिंग पता चल गई। तो अब डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हमें कैपिलरी का डायमीटर पता चल जाएगा। तो कैपिलरी के डायमीटर को मैं पी के उसे डिनोट करूं या फिर स्मॉल डी से डिनोट करूं, तो वो बन जाता है दिस पी माइनस क्यू। अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो आप उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू बनती है 0.594 माइनस 0.241। तो यहाँ से हमारे कैपिलरी का जो डायमीटर है वो है 0.353 सेंटीमीटर। तो हमने इस तरीके से कैपिलरी का जो डायमीटर है वो फाइंड आउट कर लिया। कैपिलरी का डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए आप वर्टिकल स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, और वर्टिकल स्केल का यूज़ करते वक्त क्या होगा कि तब आपको कैपिलरी के इस पॉइंट के ऊपर अपने आई पीस को फोकस करना पड़ेगा। ये पॉइंट मान लीजिए आर है, और उसी तरीके से नीचे व दूसरी बार में नीचे वाले पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिए, मान लीजिए वो एस पॉइंट है। तो ये वाला वर्टिकल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको आर पता चल गया, एस पता चल गया, तो ये डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं आर माइनस एस का मैग्नीट्यूड। और जब आप ये वाला काम कर रहे होंगे इसका मतलब आप आईपीस को वर्टिकली चेंज कर रहे हैं, वर्टिकली ट्रेवल करवा रहे हैं, तो उस टाइम आप वर्टिकल स्केल का यूज़ करेंगे। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल स्केल का यूज़ किया है, सेम उसी तरीके से हम वर्टिकल स्केल का यूज़ करेंगे जब जब हम अपने आईपीस को ऊपर से नीचे की तरफ मूव कराएंगे। इस तरीके से हमने देखा कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।